का कैमरा ऑन हो चुका है भाई। फर्स्ट इम्प्रेशन में क्या बताऊं यार, व्हाट अ कैमरा, अनएक्सपेक्टेड रियली बजट में। वेलकम बैक टू टी टी लैब। हाथ में आ चुका है रियलमी C55 और ये फोन का येलो कलर का बॉक्स है और पीछे कुछ ऐसे फीचर्स लिखा है, 64 MP AI कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 90Hz फुल एचडी प्लस पैनल, 33W चार्जर, G88 चिपसेट और ये 6GB 64GB वेरिएंट है, मतलब 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट। इसका प्राइस लेगा 12,000 रुपीज़, मतलब 11,999 रुपीज़। चलो बॉक्स का भी फटाफट अनबॉक्स करता हूँ और ये बहुत आसानी से ये ओपन हो गया। देखो इस साइड में कुछ नहीं है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इसके साथ साथ फास्ट एक सेक्शन आता है जहाँ पे ये कुछ लिखा है, अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फास्ट लीप रियलमी। तो चलो केस तो है भाई, टीपीयू केस। हाँ देखो टीपीयू केस मिल गया है भाई और टीपीयू केस का क्वालिटी देखो बहुत अच्छा क्वालिटी है। थोड़ा डार्क कलर पे है, मतलब एकदम वाइट वाटर कलर पे नहीं है। देखो ये वाइट पेपर है, अभी देखो कलर थोड़ा डार्क कलर पे है और इसका जो क्वालिटी है टीपीयू केस का बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और ये कुछ गाइड कुछ मैनुअल है, ये सब बाद में पढ़ूंगा मैं, फटाफट अनबॉक्स कर रहा हूँ आप लोगों का सामने। और ये है इसका पिन, ये देखो ये है इसका पिन। अभी जो अनबॉक्स किया सब साइड कर देता हूँ। अभी फोन आने वाला है भाई, वो टाइम आ चुका है, फोन तो एक बार देख लूँ। ओ भाई हाथ में जब पकड़ रहा हूँ ना बहुत ही अच्छे फील हो रहा है, फ्लैट जैसा फील हो रहा है। अभी धीरे धीरे पैकेट से बाहर निकल रहा हूँ। ओ हो, फोन देखो भाई, मतलब हाथ में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है भाई, मतलब वेटी फील हो रहा है, हल्का सा हेवी फील हो रहा है मेरे को। और फोन देखने में देखो भाई बहुत ही तगड़ा लग रहा है ये फोन, मतलब जस्ट सामने से देखो, इसका कैमरा देखो, इसका पीछे देखो और रियलमी लोगो है, देखो चमक रहा है इस साइड रियलमी लोगो। और चलो पूरा बॉडी का ओवरव्यू अभी मैं देने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो टीटी लैब फटाफट अनबॉक्सिंग रिव्यू, इसके ऊपर गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सिनेमेटिक टेस्ट, सब टेस्ट आएगा एक एक करके मेरा चैनल पे। अभी ये फ़ोन को मैं देखूंगा डिटेल्स पे, ठीक है। देखने से पहले मैं इस बॉक्स में और क्या है ये देख लेता हूँ। और एक सेक्शन है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इस साइड है केबल, और केबल मिलेगा आप लोगों को टाइप सी पोर्ट, ये देखो टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है आप लोगों को। और इस साइड टाइप ए टू टाइप सी, मतलब चार्जर मिलेगा और ये बहुत अच्छा लगता है, चार्जर देना चाहिए। और देखो 33W चार्जर इन लोगों ने प्रोवाइड किया है, बहुत ही अच्छा। अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ऐसे ही फटाफट अनबॉक्सिंग और डिटेल्स रिव्यू पाने के लिए। तो चलो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, अभी फ़ोन देखने का टाइम है। तो चलो अभी फ़ोन को, ये देखो ऊपर एक स्क्रीन गार्ड भी आता है, तो चलो स्क्रीन गार्ड रहने दो भाई, स्क्रीन गार्ड बहुत काम का है, ये स्क्रीन गार्ड मत उठाओ, स्क्रीन गार्ड को रख देना, ठीक है, स्क्रैच से बचेगा ये फ़ोन, ओके। तो चलो अभी स्क्रीन देखता हूँ मैं, नीचे है देखो स्पीकर ग्रिल, ये है टाइप सी पोर्ट, ये माइक्रोफोन, ये 3.5mm जैक सपोर्ट करता है भाई, ये बहुत अच्छा है। और लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर तक देखो, ऊपर है लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, अच्छा सिम ट्रे में क्या क्या सिम सपोर्ट करता है ये एक बार देख लेता हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि कैमरा टेस्ट भी करने वाला हूँ, म्यूजिक टेस्ट, साउंड टेस्ट भी करने वाला हूँ, पूरा वीडियो देख के जाना। और चलो ये सिम ट्रे ओपन कर रहा हूँ और ये देखो भाई बहुत ही अच्छा, ये देखो भाई, मतलब दोनों सिम सपोर्ट करेगा, उसके साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी सपोर्ट करेगा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलो इसको मैं लगा देता हूँ, ओके लग जाओ भाई, ठीक है, एकदम स्मूथ नहीं है लेकिन ठीक है। चलो और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, पूरा क्लीन है। और राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है और ये फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता है, फ्लैट है, मेरे को लग रहा है फिंगरप्रिंट सपोर्ट करेगा ये। और ये दो कैमरा है, 64 MP और 2 MP, यहीं पे देखो लिखा है AI कैमरा। इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है भाई, मैंने सुना है देखा है। अभी ये जो छोटा सा स्टिकर है इसको उठा के मैं इधर लगा दिया, ओके। तो चलो अभी फ़ोन को ऑन करूँगा, आप लोगों का सामने बूट करने वाला हूँ,
चलो ये ऑन कर रहा हूँ, अभी ये ऑन हो रहा है आप लोगों का सामने। और आप डिस्प्ले देखो भाई, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई ये डिस्प्ले। ओ वाओ वाओ, रियली रियली ग्रेट डिस्प्ले। मैं एक बार ब्राइटनेस चेक करता हूँ आप लोगों का सामने। ओ भाई ब्राइटनेस देखो भाई, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। ठीक है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, तो चलो अभी मैं फास्ट जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसका कैमरा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसका कैमरा देखने के लिए। चलो ये कैमरा क्लिक कर दी। इसका पीछे 5000 एमएएच बैटरी है भाई, और ये 33 वॉट सपोर्ट करता है। ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग देख रहे हो टीटी लैब। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो अभी इसका कैमरा ऑन हो चुका है भाई। फास्ट इम्प्रेशन में क्या बताऊँ यार, व्हाट अ कैमरा, अनएक्सपेक्टेड रियली। बजट में इसका प्राइस है 12,000, लेकिन कैमरा देखो भाई इसका। मैं एक फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ 1x। अच्छा, यहीं पे ऑप्शन है दोनों, देखो 2x आ रहा है। चलो 2x, मैं टैप नहीं कर रहा हूँ, खुद से फोकस्ड हो रहा है ये 5x। ठीक है, 1x, 2x, 5x। चलो अभी फ़ोटो कैसे आया है गैलरी पे जाके देख लेता हूँ। ये है 1x, और 1x पे भाई फोटो बहुत ही बढ़िया आया। और इसके साथ भाई ये 2x, भाई 1x से 2x ज़्यादा क्लियर लग रहा है मेरे को। मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ फास्ट। देखो ये 1x वाला फ़ोटो, 1x वाला फ़ोटो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लियर आया। और इसके साथ ये 2x, 2x का फ़ोटो देखो यार, बहुत ही क्लीन, बहुत ही शार्प। और ये 5x कैमरा बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। चलो कुछ इसका फ़ोटो लेता हूँ एक बार, डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो। वाओ, ये मेरा स्मार्ट वॉच का फ़ोटो। अच्छा देखो, मैं यहीं पे टैप करता हूँ, और टैप करने से भी फोकस नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों का सामने ही दिखा रहा हूँ, ये देखो अभी फोकस हो चुका है ये। और ये क्लिक किया, और क्लिक करने का साथ साथ भाई फोकस करने का बाद फोटो एक बार देख लो भाई, क्लैरिटी देखो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। और पीछे पूरा सेटअप हो रहा है अभी, और मैं बताऊंगा पूरा सेटअप होने का बाद ही अब लोग यूज़ करो। चलो ये क्लिक किया, अच्छा है। और ये 2x पे देखो, 2x पे फोटो देखो। चलो ये फोटो 2x पे है, और 2x पे जो क्लैरिटी है भाई, 2x का क्लैरिटी देखो भाई, 2x का क्लैरिटी मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। 1x से भी अच्छा लगा ये 2x का क्लैरिटी एंड कलर कैलिब्रेशन। और अगर सामने वाला ये जो बैठा है इसका अगर फ़ोटो ले रहा हूँ, तो ये आ गया 2x। और 2x से अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, सोचो ये 3x, 3x का क्लैरिटी देखो, ये है 2x का क्लैरिटी, जस्ट 2x का क्लैरिटी देखो। और ये आ गया 3x का क्लैरिटी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कैमरा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पोर्ट्रेट मोड क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा टाइम लेने के बाद ये देखो भाई पोर्ट्रेट मोड, पीछे बैकग्राउंड ब्लर देखो बहुत ही बढ़िया। देखो पीछे सब इंस्टॉल हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी इसके बाद ये कैमरा तो मैंने चेक कर लिया, अभी एक बार वीडियो कैमरा भी मैं चेक करूँगा। ये आ गया वीडियो, और ऐसे कुछ वीडियो का क्लैरिटी जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा फोकस हंटिंग लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। चलो ये 2x पे वीडियो कर सकते हो, ये 5x पे भी वीडियो कर सकते हो। अभी मैं लो लाइट पे दिखा रहा हूँ। ओके, और ये कुछ फिल्टर भी है कैमरा का, ऊपर डिटेल्स वीडियो आएगा देखने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और रेजोल्यूशन कहाँ पे है, वीडियो रेजोल्यूशन ये देखो, फुल HD 60 FPS तक जा सकता है रियर कैमरा पे। ठीक है, अभी इसका साउंड हम लोग सुन लेते हैं, इसका साउंड कैसा है NCS म्यूजिक से। ठीक है, कैमरा तो दिखा दिया मैंने, और डिटेल्स दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। और साउंड मैं चेक कर रहा हूँ, पहले NCS क्लिक कर देता हूँ। चलो NCS इसके ऊपर क्लिक कर दिया, वीडियो का बाद है ये देखो,
ये साउंड शुरू हुआ है और ये 200% होता है यहीं पे, नहीं तो 100% यहीं पे वॉल्यूम लेवल है। ये देखो 200% ये स्पीकर थोड़ा अच्छा दे सकता था, स्पीकर उतना खास नहीं लेकिन काम चला देगा। ये फोन बेसिकली कैमरा के लिए है इसलिए ये फोन इतना सेल हुआ है, कैमरा इतना अच्छा है। इसका कैमरा के ऊपर वीडियो आएगा, आप लोग देख रहे थे टीटले। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, जाने से पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा, वो है केस लगाने का बाद कैसे लगेगा ये फोन। चलो ये ऑफ कर देता हूँ। ऐसे आप लोग केस को लगाने का बाद ऐसे नीचे लगाओ, केस बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है और फिट होने का बाद कुछ ऐसे दिखेगा केस लगाने का बाद। और केस लगाने का बाद भी आपका फोन बहुत ही पतला सा लगेगा, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख रहे थे टीटी लैब, जाने से पहले कमेंट करना कैसा लगा। देखते रहो टीटी लैब।